हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम दीपक कुमार सिंह फ्रॉम गॉप टेरिटरी भुवनेश्वर। माय टुडे टॉपिक इज स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय एसी ड्राइव और वीएफ ड्राइव। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट शुड एबल टू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ एसी ड्राइव्स, चेंज स्पीड ऑफ एसी मोटर बाय एसी ड्राइव्स, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ एसी ड्राइव्स, एप्लीकेशन ऑफ एसी ड्राइव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसी ड्राइव्स। प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द डीसी ड्राइव, द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय द हेल्प ऑफ डीसी ड्राइव्स, बट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ड्राइव्स। व्हाट इज दैट? Now it is more complicated because of commutator and brushes. DC motor re ame commutator au brush ro byabohar kara jae, sethi pai seta beshi complicated he jae. Second thing is heavier than AC motor, ta AC motor tharu DC motor ta adhika ojonia. Third thing is high maintenance is required, jehetu brushes au commutator achi sobale continuous run kala pare ब्रशेसटा सब वेयर एंड टीयर नष्ट हो जाए, तेणु सब ब्रशटा को चेंज कराया पड़े, तेणु इट इज हाई मेंटेनेंस, आर मेंटेनेंसटा सब अधिका था। तो देन मोर एक्सपेंसिव दैन एसी ड्राइव ठारू डीसी ड्राइवटा कम तार मूल्य। थर्ड थिंग इज नॉट सुइटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, डीसी मोटरटा लिमिटेशन पर्यंत स्पीड पर्यंत एटाक आम यूज कर पार, बट एसी मोटरटा आमे हाई स्पीड ऑपरेशन पे यूज कर परिवा। देन नाउ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एसी ड्राइव्स, वीएफ ड्राइव और एसी ड्राइव मीन्स वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। आमे तो एसी मोटरटा को तार स्पीड की चेंज करवा, ये आम दुटा जिनस चेंज कराया पड़ो, बोथ तार वोल्टेज को चेंज कराया पड़ो आउ तार फ्रीक्वेंसी को चेंज कराया पड़ो। We know about what is AC. This is the symbol of, this is the diagram of sinusoidal diagram of the AC symbol. It is the magnitude, our magnitude achi au tar frequency bhi achi. This is the main bhi voltage or main bhi current. So here voltage, current and frequency, it is dui ta jinsa achi, voltage current achi au फ्रीक्वेंसी भी अच्छी, किंतु इन केस ऑफ डीसी देर इज नो फ्रीक्वेंसी, इट इज ओनली कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो इन केस ऑफ वीएफ ड्राइव और एसी ड्राइव मीन्स वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। देन व्हाट इज दैट? एसी ड्राइव चेंज द स्पीड ऑफ एसी मोटर बाय चेंजिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एट द पावर सप्लाई टू द एसी मोटर। आम जो एसी मोटर को पावर सप्लाई दौचे से कौन कर तार एसी मोटर स्पीडटा को चेंज करापाई आम बोथ वोल्टेजटा को चेंज करवा एंड फ्रिक्वेन्सी भी चेंज कराया पड़ो, इन अर्डर टू मेंटेन प्रॉपर पावर फैक्टर। एसी इन केस ऑफ डीसी देर इज नो पावर फैक्टर, बट इन केस ऑफ एसी देर इज अवेलेबल ऑफ पावर फैक्टर, दोज पावर फैक्टर व्हिच रिड्यूस द लॉसेस। इन अर्डर टू मेंटेन प्रॉपर पावर फैक्टर and reduce excessive heating of the motor, nameplate volt per hertz ratio must be maintained. jodi ame ac drive ki chaleba tar power factor ko limit rakhay padibo and reduce excessive heating, jetole continuous run karibo tar heat ta adhika upare adhika pariman ra generate hobo, ja dwara ki ame kon kare padibo na volts per hertz, very very important, this is volt per hertz, v per f, दिस इज वोल्ट्स पर हर्ट्ज। एटा को आमको मन रखा पड़ो, एटा जिन सब कांस्टेंट रहइबो, वोल्ट पर हर्ट्ज मस्ट बी कांस्टेंट। नेक्स्ट आसला मोर चेंजिंग स्पीड ऑफ एसी मोटर बाय एसी ड्राइव। एसी ड्राइव यूज करी आम एसी मोटरटा तार स्पीड की किमती चेंज करवा, पे जानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर
वर्किंग प्रिंसिपल टा कौन दिस इज योर स्टार्टर दिस इज योर स्टार्टर दिस इज योर रोटर दिस इज द थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन वी गिवन सप्लाई थ्री फेज सप्लाई गिवन टू द स्टार्टर वाइंडिंग दिस इज द स्टार्टर वाइंडिंग दिस इज द रोटर वाइंडिंग दिस इज द थ्री फेज इंडक्शन मोटर दिस इज द स्टार्टर वाइंडिंग एंड दिस इज द रोटर वाइंडिंग आर वर्किंग प्रिंसिपल कौन कौन थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन वी गिवन सप्लाई टू द थ्री टू द स्टार्टर वाइंडिंग द रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड इज डेवलप्ड द रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड इज डेवलप्ड इन द स्टार्टर वाइंडिंग बट देर इज नो डायरेक्टली कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द रोटर वाइंडिंग इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपली द थ्री फेज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कौन हो ना आम गोटे वाइंडिंग अच्छी ये दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन वी गिवन सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग दिस इज द ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द दिस इज द ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सो हियर दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड कौन हो आम जो थ्री फेज सप्लाई देने स्टार्टर वाइंडिंग की से कौन है ना दिस इज द रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड गोटे क्रिएट है कौटी ना स्टार्टर वाइंडिंग बट दिस इज द रोटर दैट इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द स्टार्टर एंड द रोटर सो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग ऑल्सो द ड्यू ऑल्सो इट इज शॉर्ट सर्किटेड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग टू द रोटर सर्किट सो व्हाट इज टॉर्क ना टॉर्क इज जोटा कौन हम जोटा आम रोटोटा बुल रोटोटा तो बुले आम मेन काम है रोटोटा बुलवा दरकार रोटो किए बुल ना इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द स्टार्टर फ्लक्स एंड रोटर करेन्ट तेणु टर्कटा सब कौन हम ना स्टार्टर फ्लक्स दरकार द प्रडक्ट अफ स्टार्टर फ्लक्स एंड रोटर करेन्ट सो जो स्पीड रे एटा बुलला जो जो रोटेटिंग मैग्नेट बुलला ताको आमे कौन कहिबा ताको आमे एनएस दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बाय पी दिस इज द एफ फॉर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी पी द नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टार्टर वाइंडिंग सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एनएस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टार्टर वाइंडिंग दिस इज 120 एफ बाय एफ व्हाट इज द स्पीड आर स्पीड है एनएस आउ आर स्पीड है एनआर द रोटर स्पीड एनआर है रोटर स्पीड जो आम कमी आम लिखा कारणटा कौन ना आम जदि आम सिंक्रोन स्पीड जाना तो आम रोटर स्पीड जना पड़ो जहाद्वारा कि आम स्पीडटा को कंट्रोल कर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सिंक्रोन स्पीड एंड रोटर स्पीड एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू स्लिप व्हाट इज स्लिप ना दिस इज द एयर गैप बिटवीन द स्टार्टर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग सिंपली Another method is here NS is directly proportional to NS is directly proportional to frequency and NR is sorry AP is inversely proportional to 1 by N is inversely proportional to 1 by जदि आम फ्रिक्वेन्सी की बढ़ेगा तो सिंक्रोन स्पीड बढ़ो जदि आम पोल को बढ़ेगा तो स्पीडटा आमर कमिज दीटा वे आम से आर स्पीड कंट्रोल कर गोटे हूँ सप्लाई फ्रिक्वेन्सी की बढ़ावा पड़ो हेल्ले स्पीड बढ़ो एटा कमेले एटा भी कमे तेणु जदि आम पोल को बढ़ेगा नंबर अफ पोल को बढ़ेगा तो
सिंक्रोनस स्पीडटा कमी जाव पोल को कमेबा तो सिंक्रोनस स्पीडटा बढ़ जाव ये दुटा पोल चेंजिंग मेथड एंड द फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय द हेल्प ऑफ द एसी ड्राइव। सो बीएफडी प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज मोटर इनपुट चेंज द स्पीड ऑफ द मोटर। नेक्स्ट स्लाइड द चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ एसी मोटर बाय एसी ड्राइव्स कांस्टेंट वी बाय एफ रेशियो ऑपरेशन। व्हाट इज वी बाय एफ रेशियो ऑपरेशन? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एसी ड्राइव दिस टर्म वी बाय एफ ऑपरेशन। व्हाट इज वी बाय एफ ऑपरेशन? द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर और इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हाट इज दैट? ना वी इज इक्वल टू 4.44 इंटू एन एफ इंटू 5 मैक्स। वी दिस इज द वी इंड्यूस्ड वी केलाटा 4.44 इंटू एन एन फॉर है नंबर ऑफ टर्न्स ये फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी तेनाली कौन हो देख ना जब आम फ्रिक्वेन्सी की चेंज कराया जदि फ्रिक्वेन्सी की चेंज कराया दिस इज द कन्स्टांट दिस इज अल्सो कन्स्टांट एटी भेरिएबल किए रहा दिस इज वोल्ट भी अल्सो कन्स्टांट एटी भेरिएबल किए रहा ना एफ एंड फ्लक्स फ्रिक्वेन्सी एंड फ्लक्स जदि मुझा फ्रिक्वेन्सीटा कमेली मोर स्पीड चेंज कराया अच्छी फ्रिक्वेन्सी कमेली कौन हम जो कन्स्टांट अच्छी ये बढ़ी बर्तमान फ्लक्सटा बढ़ी तेणु आम कौन लिखिपर भि बाय एफ इक्वाल टू 4.44 इंटू एन इंटू 5 जदि मोर वोल्टेज जब वोल्टेजा न बढ़े खाली फ्रिक्वेन्सीटा को बढ़ेली कमेली तेल फायटा आम चेंज हो चेंज होदी फायटा बढ़ीगला तेल कौन हम ना द मेसीन कोर विल बी सैचुरेटेड द मेसीन कोर विल बी सैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड मान मेसीन कोरटा आउ मैग्नेटाइजिंग हेनी बा लूज दर मैग्नेटिजम तेणु कौन हम ना मोटर विल नॉट रन विल बी और स्टॉप। सो आमको कौन कराया पड़ो ना बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दुटा को आमको चेंज कराया पड़ो से कौन यू सब कन्स्टांट रखा पड़ो वि बाय एफ टर्म मस्ट बी कन्स्टांट। सो फाइव एम इज अल्सो कन्स्टांट तेणु एटा जो रेसीओ चेंज हे तेणु आर फाइव एम टा सब कौन हम कन्स्टांट मेन्टेन हो रही है तेणु जदि फाइव एम टा बढ़ीगला तेल कौन हम ना यहाँ साचुरेटेड हो कोरटा जो मेसीन एसी मोटर कोरटा साचुरेट हो कौन हम ना इट लूज देयर मैग्नेटिज्म सो द मोटर विल नॉट बी रन। सो कोर विल बी फुली मैग्नेटाइजिंग और लूज द मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज। एसी मोटर टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्टर फ्लक्स एंड द रोटर करंट। फॉर मेंटेनिंग द रेटेड टॉर्क ऑल स्पीड कांस्टेंट फ्लक्स मस्ट बी मेंटेन एज इट्स रेटेड वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट। सब आम कौन कर रखे मन रखा पड़ो ना वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट को कांस्टेंट कराया पड़ो कौन ना ऑलवेज आमको रेटेड टॉर्क जो टॉर्कटा दे नेम प्लेट उपरे से रेटेड टॉर्कटा जो अच्छी ताको आम कौन कराया पड़ो ना ऑल स्पीड रे कांस्टेंट रखा पड़ो ऑल स्पीड रे कांस्टेंट रखा पड़ो कौटा ना रेटेड टॉर्क टाको ताले आम कौन कराया पड़ो ना वी बाय जेड ऑपरेशन रे एटा को आम फॉलो कराया पड़ो। देख गोटे वीबीएफ ड्राइव लगी आ गए एसी जे थ्री पेज इंडक्शन मोटर तार कनेक्शन होती देख दिस इज द फ्रीक्वेंसी दिस इज द एनएस दिस इज एनआर एंड दिस इज द वोल्टेज आम ये कौन करूचे ना आमर स्पीड चेंज कराया अच्छी तेणु स्पीड चेंज कराया आम कौन कराया पड़ो आइदर पोल को चेंज कराया पड़ो और फ्रिक्वेन्सी चेंज कराया पड़ो पोलटा तो मैंने कौन मोटर भितर लगे अच्छी मैंने तार फिजिकाल चेंज से हाँ टे कष्ट असंभव बट आम फ्रिक्वेन्सी को चेंज कर फ्रिक्वेन्सी को चेंज कले कौन हम आम फ्रिक्वेन्सी सपोज आम जेनेल थ्री फेज लाइन में कौन था
ना 415 वोल्ट था एंड 50 हर्ट्ज था इन इंडिया इंडिया एटा यूज करा जाए फॉर थ्री फेज लाइन पे 415 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सपोज फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज सपोज दिस इज द इंडक्शन मोटर दिस इज द रोटर दिस इज द एनएस दिस इज द एनआर थ्री फेज सप्लाई गिवन टू दिस स्टार्टर वाइंडिंग एडी कौन हबो ना व्हाट विल बी एनएस सपोज स्लिप इज सपोज पी इक्वल टू 4 एंड स्लिप इक्वल टू 3% जदि ये डाटा थी ताहले हम कौन करे पड़ो व्हाट इज द एनएस एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी ताहले 120 इनटू एफ इज 50 एंड पी इज 4 30 इज 1500 एम्पियर 1500 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट सो 50 हर्ट्ज बेले फॉर दिस डाटा पी इक्वल टू 4 एंड एस इज 3% व्हाट विल द एनएस इन द मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड केते हबो दैट इज 1500 आरपीएम व्हाट विल द एनआर रोटर स्पीड ताले केते हबो हम कोइल बर्तन एनआर इज इक्वल टू एनएस इनटू 3% बाय दिस इज द स्लिप एनएस इज इक्वल टू 1500 इनटू तार 3% काट देले हमको मिलियो केते ना 1455 आरपीएम व्हाट विल द वोल्टेज दिस इज 415 वोल्ट और मे बी से 400 वोल्ट बर्तन आम कौन करिया ना एटा आगु अछि बर्तन आम चेंज करिया फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी मु चेंज करली 40 हर्ट्ज कर देली बा 20% डिक्रीज कर देली ताले केते हो एनएस टा ए फार्मूला अनुसार दिस इज द एनएस इज हेजियो 1200 आरपीएम माने ये भी आल्सो एनएस टा भी 20% डिक्रीज कला आउ व्हाट विल द एनआर एनआर भी हेजियो 1164 आरपीएम एटा भी 20% डिक्रीज कला व्हाट विल द वीएल दिस इज द इट इज आल्सो डिक्रीज बाय 20% दैट इज 320 वोल्ट जदि एटा आमे चेंज न करिवा ताले कोन हबो ना मैग्नेट ओनली आमे यदि फ्रीक्वेंसी चेंज करिवा खाली वोल्टेज को चेंज न करिवा ताले कोन हबो ना हम अगर कहि सालिनी द कोर विल बी द मोटर कोर विल बी मैग्नेटाइज जो सैचुरेटेड सो द मोटर विल नॉट बी रन नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ एसी ड्राइव्स जो एसी ड्राइव अच्छी तार ब्लॉक डायग्राम टा देख ये कौन अच्छी ना मुझे एसी सप्लाई देली थ्री फेज एसी सप्लाई देली क्या देली ना दिस इज द रेक्टिफायर तीन टा यूनिट अच्छी ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव गोटे हूँ रेक्टिफायर यूनिट दिस इज द डीसी बस यूनिट दिस इज द इनवर्टर यूनिट दिस इज द एसी मोटर थ्री फेज इंडक्शन एसी मोटर दिस इज द इंटरनल कनेक्शन ऑफ एसी ड्राइव दिस इज द ओवरऑल कनेक्शन इंटरनल कनेक्शन दिस इज द ओवरऑल कनेक्शन ऑफ द डीसी ड्राइव्स सॉरी एसी ड्राइव्स द इनपुट इज एसी व्हाट विल द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर रेक्टिफायर काम कौन ना एटा एसी की डीसी करियो एसी को डीसी करियो एटी कौन कौन अच्छी इटी मे बी डायोड इटी मे बी डायोड व्हिच कैन कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी नॉट प्योर डीसी बट पल्सेटिंग डीसी आम कौन कंपोनेंट यूज करी परिवा ना डायोड यूज करी परिवा और एसीआर यूज करी परिवा जो जाद्वारा कौन करिवा आम ना एसी रु डीसी की आम चेंज करी परिवा नेक्स्ट सेक्शन कौन अच्छी ना डीसी बस व्हाट इज द डीसी बस ये देख पाने दिस इज द कन्वर्टर थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर कन्वर्टर लगी दिस इज द डायोड सब लगी ये आम चाहिए एसीआर भी यूज करें फॉर कंट्रोलिंग एसी टू डीसी करें आउ डीसी बस रे कौन अच्छी देख ना डीसी लिंक L1 लगी दिस इज द इंडक्टर लगी गोटे लगी कैपेसिटर लगी पैरेलल एंड देन नेक्स्ट सेक्शन अच्छी इनवर्टर इनवर्टर अच्छी कौन ना यहाँ डीसी रु एसी करा हूँ डीसी रु एसी कर सब लग ट्रांजिस्टर लगी आम बर्तमान देखिए कन्वर्टर कौन दिस इज द थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर लगी छा डायोड लगी एटा कौन कर ना एसी रु डीसी कर एसी कन्वर्ट टू डीसी जो मैंने जो आउटपुट जो डीसी बाहर दिस इज नॉट प्योर डीसी बट इट इज पल्सेटिंग डीसी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी लिंक ना डीसी लिंक है डीसी बस भी जाऊँ डीसी लिंक एंड L1 एंड C1 इट इज वन टाइप ऑफ इट इज वन टाइप ऑफ फिल्टर ये कौन कर ना एसी ब्लॉक कर आउ कैपेसिटर कौन कर ना डीसी की ब्लॉक कर जो द्वारा कौन हम ये
ना आम प्योर डीसी आम ये पाइबर जो जो प्योर डीसीटा इनवर्टर को जीव इनवर्टर काम कौन ना एसी टू डीसी एसी टू लगे ट्रांजिस्टर कि मॉडर्न एसी ड्राइवर आम कौन लगे आईजीबीटी आम लगे जोटा कह जाए इन्सुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर तार काम कौन ना तीन टा फेज पाई ये गोटे फेज पाई लगी ये गोटे फेज पाई लगी ये गोटे फेज पाई लगी तीन टा फेज लगी छटा लगी तेणु ये गोटे ऑन हो ये गोटे से समय ये ऑफ थी तेणु तार फिगरटा कमी हम ये गोटे ये गोटे ऑफ अच्छी यहाँ सपोज ऑफ अच्छी यहाँ ऑन अच्छी तेणु दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल आसो तापर एटा जो ऑफ कर देबे एटा ऑन करबी दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल आसो एरकम अलगा पई एरकम तीन तीनटा पळ आसो सो एटा कोन करबा ना एसी टू करबो प्योर ना एटा डीसी रु प्योर एसी करबो इन्वर्टर दि पावर अच्छी गोटे वीएसआई एंड आउट अच्छी सीएसआई वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करेन्ट सोर्स इन्वर्टर हियर वी आर यूजिंग वीएसआई माने कौन ना वोल्टेज हमें कांस्टेंट रहइबो आउटपुट रे सब वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी आर काम इन्वर्टर काम कौन होला ना ये वोल्टेज को कंट्रोल करियो एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करियो तार कंपोनेंट्स ऑफ एसी ड्राइव कौन होला हमें ऑल्सो सब पढ़ी सार जे थ्री फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ले कंट्रोलर पढ़ले कंट्रोलटा कॉम्बिनेशन ऑफ कौन ना ब्रिज रेक्टिफायर डीसी बस एंड इन्वर्टर ऑपरेटर इन्फ्रेस माने कौन ना इट प्रोवाइड्स फॉर एन ऑपरेटर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर एंड एडजस्ट द ऑपरेटिंग स्पीड आर काम कौन होला स्टार्ट करिवो स्टॉप करिवो आउ स्पीड की एडजस्ट करिवो देन एप्लीकेशन ऑफ डीसी ड्राइव्स एसी ड्राइव्स आर यूज स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इन द प्रोसेस प्लांट रेटा यूज करा जाए जोड़ी पैकिंग हुए मिक्सिंग हुए ग्राइंडिंग हुए से जो प्लांट आम यूज करूँ दिस इज रॉक एंड मेंटेनेंस फ्री रॉक माने ता जो सरफेसटा सी अनइवन नथिबो ता माने आम को रफ हैंडलिंग करा सुविधा हबो एंड मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग टाइम आगु बहुत दिन पर्यंत आम मेंटेन न करिक बेटा रन करि परिबो सेकंड इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर बाय वेरिंग आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी थ्रू माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसी ड्राइव्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर यूनिट एटा कोन ना एसी ड्राइव रे रेक्टिफायर अच्छी आउ इन्वर्टर यूनिट भी अच्छी तापर एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव्स इट इज लो कॉस्ट आ दाम बहुत कम एंड लेस मेंटेनेंस आर मेंटेनेंस बहुत कम स्मॉल साइज एंड कॉमनली अवेलेबल आर साइजटा बहुत छोटा डीसी मोटर ठारु आउ कॉमनली सब बड़े इट इजिली अवेलेबल तापर बेटर सुइटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन एटा माने बेसी स्पीड पे एटा बेसी हम यूज करिवे मिनिमम 2500 आरपीएम पे 2500 आरपीएम एबव को हम यूज कर परिया हम जो एसी ड्राइव टाकु एंड देयर इज नो ब्रश एंड कम्यूटर प्रॉब्लम एथरे एसी ड्राइव रे कौन एसी मोटर रे कौन थाए ना ब्रशेस ना कि कम्यूटर ना जोटा डीसी रे अच्छी डीसी मोटर रे अच्छी स्टूडेंट्स टुडे असाइनमेंट फॉर यू व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव आईजीबीटी रो काम कौन वीएफ ड्राइव रे काम कौन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीएसआई ड्राइव वीएसआई रे जो इन्वर्टर अच्छी तार वीएसआई रो काम कौन थर्ड वन इज व्हाई एसी ड्राइव्स इज मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट जो प्रोसेस प्लांट रे अच्छी आमर पैक माने नंबर ऑफ जॉब हुए माने आमर पैकिंग हबो ग्राइंडिंग हबो मिक्सिंग हबो से जो सब प्लांट रे आमे एसी ड्राइव टा काई बेसी यूज करा होची आउ लास्टली व्हाट इज द नेसेसरी टू कीप वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट वोल्टेज आउ फ्रीक्वेंसी दीटा को आमे काई एकाथरे चेंज करबा ना बट सर व्हाट इज द माने यूजेस इन डीसी ड्राइव इफ एनी डाउट प्लीज कांटेक्ट मी आई माय मोबाइल नंबर इज 9776943109 थैंक यू। ଝିଅଟିଏ ତ ମାଟି ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ କଥାଟିଏ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବ ସଂସାର ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଉ ପୁଅଙ୍କଠୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି ଯୁଗ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ତାଲିମ ଏବେ ଆମ ଝିଅ ରହିବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ମୁଁ ସଫଳ ମୁଁ କୁଶଳୀ ମୁଁ ସୁଦକ୍ଷା ଆମେ ସୁଦକ୍ଷା।